इस वक्त लाजपत नगर में मौजूद हूँ। लाजपत नगर 4 अमल कॉलोनी का ये इलाका है, ब्लॉक सी, जहाँ पर पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की ये ब्रांच है। सुबह से ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 2 दिनों से लोग बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं अपने पैसे लेने के लिए और जानकारी लेने के लिए कि जो उनके पैसे जो खाते में जमा है उनका क्या होगा, वो पैसा उनको कब मिल पाएगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइए, आप पैसे लेने आए थे कि आपको पैसे मिले और जो फैसला है कि आप 6 महीने में सिर्फ 10,000, पहले कल तक था 1,000 रुपए, आज 10,000 रुपए हुए हैं, किस नजरिए से आप उसको देखते हैं? कुछ भी नहीं है, 10,000 6 महीने में क्या होगा। हम सीनियर ज्यादातर मोस्टली अकाउंट जो है यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स है, सीनियर सिटीजन्स को दिया गया था कि 8.5% 9% इंटरेस्ट है, सबने यहाँ लगाया, यंग जनरेशन कोई नहीं है, सीनियर सिटीजन वो कहाँ जाएंगे। 10,000 आजकल महंगाई के जमाने में तो कई लोग रेंटेड है, उनको रेंट देनी पड़ती है और कई लोगों को जो है अब बैंक में ईएमआई हमारी जाती है, वो ईएमआई भी हम नहीं दे सकेंगे, प्लस बच्चों की फीसें जमा करानी है तो बच्चों के नाम हमारे को दूसरे स्कूलों में कराने पड़ेंगे या दूसरे ऑर्डिनरी स्कूलों में जाने, हमारे लाखों रुपए लोगों के लगे हुए हैं, हमारी 3 फैमिली है, तीनों के अकाउंट यहाँ पे। व्यापारियों के बीच में था, उनका कहना है कि पहले GST हुआ, फिर नोटबंदी और अब जो बैंक में जो खाता धारक है उनके अकाउंट अब फ्रीज हो गए हैं, एक तरह से वो पैसे निकाल नहीं सकते, तो अब वो व्यापार कैसे करेंगे? तो ये जो चोरियों को जो इतने लोग जो आजकल चोरियां कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उनके पास कारोबार नहीं है, इतनी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दे रखी है, जेलों में उनको बंद करते हैं, उनको खाने के लिए भी मिल जाता है, सोने के लिए भी मिल जाता है, हम लोग पिस जाते हैं, बिचौले लोग, मीडियम लोग जो है जिनके बहुत ज़्यादा पैसा है वो तो किसी भी तरीके घर चला लेंगे, लेकिन हम लोग जो बिचौले हैं, रोज लाना, रोज निकालना, रोज परचेज करना, रोज खरीदारी करना, उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। बच्चों की जो इतनी महंगाई है उसमें लगता है कि 6 महीने में 10,000 रुपये या फिर RBI को कोई और कदम उठाने चाहिए, सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, वो उनको शॉर्ट आउट करना चाहिए, RBI को उनको शॉर्ट आउट करना चाहिए, थोड़ी है कि भाई 6 महीने के लिए आप बंद कर दो, उनको जल्दी 10-15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर अपना तो वो खत्म करना चाहिए, कोई 6 महीने से टू मच पीरियड, टू बहुत ही ज्यादा पीरियड है। हमारे यहाँ इकोनॉमिस्ट पढ़े लिखों की कमी नहीं है, हमें मनमोहन सिंह आज याद आता है, उस इकोनॉमिक पॉलिसी इतनी अच्छी थी, आज तक इतने गफले चीजें नहीं हुई थी, इनके पास भी एक से एक अच्छा जो है पढ़ा लिखा इकोनॉमिस्ट है, उनसे बैठ करके सजेस्ट करके एक बोर्ड बनाए, सोसाइटी बनाए, उनमें जब का निवारण करें ताकि पब्लिक परेशान होने से आने वाले वोटिंग में भी इनको फर्क पड़ेगा, हर चीज में फर्क पड़ेगा। तो ये थे आगे कुछ लोग जो खाता धारक हैं और जो बैंक में आ रहे हैं पैसे निकालने के लिए, जिनको निराशा हाथ लग रही है, किसी को बच्चों की स्कूल की फीस जमा करनी है, किसी को राशन लाना है, किसी को अपने व्यापार के लिए संबंधित सामान खरीदना है, वो अब जो दो जो दिनचर्या है वो एक तरह से अस्त व्यस्त हो गई है, वो सारा काम धाम जो है वो ठप हो गया है और सिर्फ RBI के फैसले के कारण जो अब 6 महीने में सिर्फ 10,000 रुपये निकाल पाएंगे। अब लोगों की RBI से सरकार से यही उम्मीद है और यही उनसे दरखास्त है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर के साथ प्रशांत त्यागी, स्वराज एक्सप्रेस, दिल्ली।